मेरा नाम है दिनेश जीवानी और आप देख रहे हैं टेक जासूस। और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एसर एस्पायर S15 के एक लैपटॉप की। तो चलिए शुरू करते हैं। खोलने से पहले मैं आपको भी कुछ बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉक्स के ऊपर जो प्राइस लिखी हुई है वो है 30,990 रुपये, लेकिन मैंने ये स्नैपडील से 25,500 रुपये में मंगवाया था। और 25,500 रुपये में जो हमें मिल रहा है ये लैपटॉप में, बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे कोर i5 का प्रोसेसर मिल रहा है, 1 TB की जो है हार्ड डिस्क है, 4 GB की रैम है, इंटेल की 4400 की इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है। डेडिकेटेड ग्राफिक्स इसमें नहीं है दोस्तों, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है इंटेल की 4400 वाली। और मॉडल नंबर आप देख सकते हैं Acer Aspire ES15, सामने की तरफ लिखा होगा, वो देख सकते हैं ES15 जो है। इसका एक्चुअल मॉडल नंबर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा इसका एक्चुअल मॉडल, ये देख सकते हैं Acer Aspire ES15 का है। ES5157 5580Z का जो है मॉडल है इसका। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो मैं इसके लिंक भी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाइए और ख़रीद लीजिए। क्योंकि मेरे ख्याल से 25,500 रुपये में हमें जो मिल रहा है इस लैपटॉप में, बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल रही है। और अगर आप लैपटॉप, आपको एक लैपटॉप चाहिए आपके कॉलेज वर्क के लिए या फिर आपके ऑफिस वर्क के लिए, जो कि फास्ट भी हो, प्रोसेसिंग स्पीड उसकी अच्छी हो, फिलहाल मुझे इसकी प्रोसेसिंग स्पीड इतना फास्ट हो तो पता नहीं है, वो मैं आपको अपने फुल रिव्यू में जो है बता दूंगा, उसके लिए वेट कीजिए। हम इसको गेमिंग भी टेस्ट कर लेंगे, मैं फाइनल रिव्यू में आपको इसका गेमिंग परफॉर्मेंस भी, इसका फुल परफॉर्मेंस, प्रोसेसिंग पावर सब मैं आपको जो फाइनल रिव्यू में बता दूँगा, कैसे परफॉर्म करता है वो मैं आपको बता दूँगा। और लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको ये ऑफिस वर्क के लिए या कॉलेज के लिए, स्टडीज़ के लिए चाहिए तो बहुत ही अच्छी लैपटॉप है। गेमिंग के लिए अगर चाहिए तो गेमिंग के लिए लैपटॉप मैंने एक और मंगवाया है एसस का, उसका भी मैं जल्द ही अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, उसका भी रिव्यू दोनों का और अनबॉक्सिंग दोनों करूँगा मैं, तो वेट कीजिए, उसका भी मैं अनबॉक्सिंग करूँगा। लेकिन गेमिंग फिर भी हम इसमें भी गेमिंग टेस्ट करेंगे, कौन सी गेम चल रही है, अच्छे से चल रही है नहीं चल रही, तो आपको जो है पता चल जाए कि इसमें गेम भी चल रही है कि नहीं चल रही है। और अगर आप यही लैपटॉप गेमिंग के लिए भी और फिर खरीद नहीं सकते, कोर i5 का प्रोसेसर है इसमें, तो स्पेसिफिकेशन में दिखा दो, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन से लिखा हुआ है, देख लीजिएगा स्पेसिफिकेशंस। तो यहाँ पे दिया हुआ है कोर i5 का प्रोसेसर है आपका, LCD की 15.6 इंच की स्क्रीन है, 4400 का HD ग्राफिक्स है, इंटेल का 4 GB की DDR3 रैम है, 1000 GB की जो हार्ड डिस्क है, DVD राइटर भी दिया गया है और 3-cell lithium बैटरी है। तो चलिए खोल लेते हैं इसको और देखते हैं हम बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये है हमारा लैपटॉप, ये है हमारा लैपटॉप। तो इसको लैपटॉप को हम बाद में देख लेंगे, इसको साइड में रख देते हैं हमें और क्या क्या मिलता है बॉक्स में। ये तो हो गया हमारा चार्जर, ड्राइवर सीडी दी गई है, अच्छी बात है, रिसोर्स सीडी लिखा है यहाँ पे, तो ड्राइवर ही होगा उसमें। ये है आपका सेटअप गाइड, तो तब तक के लिए आप वेट कर लीजिए, मेरा फुल रिव्यू भी जो है वो जल्द ही आने वाला है। तो बॉक्स में दोस्तों इतना ही मिलता है, इसको हम साइड में रख देते हैं और लैपटॉप को देख लेते हैं। तो ये है हमारा लैपटॉप, चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप का ओवरव्यू दे देता हूँ। पीछे की तरफ दिया हुआ है आपका एग्जॉस्ट, ये यहाँ पे आप इथरनेट केबल ला सकते हैं, यहाँ पे अपना HDMI लगा सकते हैं वायर, यहाँ पे दिया हुआ है 2 USB ports, ये दिया हुआ है आपका हेडफोन जैक, हेडफोन और माइक्रोफोन आप जो है इसी जैक में लगा सकते हैं, माइक्रोफोन के लिए जो है सेपरेट जैक नहीं दिया गया है, तो इसलिए अगर आप हेडफोन लगाना चाहें और माइक्रोफोन भी लगाना चाहें अलग, मतलब एक ईयरफोन और माइक्रोफोन अलग अलग से लगाना चाहते हैं दोनों एक साथ, तो आपको जो है हेडफोन स्प्लिटर जो है ख़रीदना पड़ेगा।
यहाँ पे आपका दिया गया है चार्जिंग पोर्ट, राइट की तरफ है हमारा डीवीडी ड्राइव, नीचे की तरफ प्लेन है, कुछ भी नहीं है, और लेफ्ट साइड में आपका दिया गया है कार्ड रीडर स्लॉट, आप यहाँ एसडी कार्ड लगा सकते हैं, ये और एक यूएसबी पोर्ट दिया गया है, और ये केनस्टोन लॉक पोर्ट है। सामने से आप देखें तो लैपटॉप जो है स्लिम ही दिख रहा है, फिर भी उतना स्लिम नहीं है, फिर भी अच्छा ही है, स्लिम है, देखा जाए तो अच्छा ही है। लुक भी जो है लैपटॉप का बहुत ही अच्छा दिया गया है। चलिए तो हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो लैपटॉप जो है दोस्तों चालू नहीं हो रहा है, लगता है मुझे कि बैटरी नहीं है इसमें, बैटरी ख़त्म हो गई होगी। मैं और एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे जो बैटरी है इसकी सील है, आप इसमें बैटरी नहीं निकाल सकते, इसमें बैटरी जो है सील है, अंदर पहले से ही है बैटरी, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन आप चेंज आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मैं जो है इस लैपटॉप के ऊपर एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, फाइनल मतलब फुल रिव्यू मेरा, जो मैं इसको टेस्टिंग करूँगा एक कुछ दिनों के लिए, उसके बाद मैं इसके ऊपर एक फुल रिव्यू बना दूंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आप इसमें विंडोज़ 8 और 7 डाल सकते हैं कि नहीं, वो सपोर्ट, और इसकी जो है गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, पावर कैसा है, बैटरी लाइफ कैसी है, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है, प्रोसेसिंग पावर कैसा है, हैंग होता है नहीं होता है ओकेजनली, वो सब मैं आपको जो है अपने फाइनल रिव्यू में बता दूंगा। तो इसके फाइनल रिव्यू के लिए हमारे चैनल से ट्यून्ड रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पे सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल का एक आइकॉन दिखेगा, उसको जरूर दबा लीजिएगा, तो जैसे ही मैं एक नई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि तो मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम,